हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विकी सही कंप्यूटर एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं कि जेईई मेन एग्जाम 2025 के लिए अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं, वहां पर एक ऑप्शन आता है कास्ट सर्टिफिकेट का, उसमें बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक है ना। वहां पर आपका मतलब एप्लीकेशन नंबर मांगा जा रहा है, जो आवेदन क्रमांक है कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपका पहले से बना हुआ है तो वहां पर मांगा जा रहा है, अगर आपका नहीं बना है, ठीक है ना, तो ऑनलाइन हम किस तरीके से जात प्रमाण पत्र कैसे बनाएंगे, जो आपका 2024-25 में कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। आपको अगर जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप ओबीसी एससी या एसटी हैं तो जेईई मेन एग्जाम के लिए जब आप फॉर्म फिल करने के लिए अभी जा रहे हैं, अब टाइम बहुत कम बचा हुआ है, तो वहां पर जो आपका प्रमाण पत्र क्रमांक है तो वहां पर आपको डालना पड़ेगा। तो अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो हम कैसे बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में पूरा समझाएंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट हम अप्लाई ऑनलाइन कैसे करेंगे अगर आप ओबीसी एससी या एसटी कैटेगरी से आते हैं। तो सबसे पहले अपने लैपटॉप या कंप्यूटर या मोबाइल, जिसमें भी आप वर्क अगर मोबाइल में कर रहे हैं, तो थ्री डॉट पे क्लिक करके डेस्कटॉप में आपको मतलब उसे डेस्कटॉप मोड में कन्वर्ट कर लीजिएगा। और वैसे अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर से अगर भरेंगे तो बेटर रहेगा। तो अपने कंप्यूटर यानी डेस्कटॉप या लैपटॉप में गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे। और जैसे कि मैं यहाँ पर यूपी स्टेट का, क्योंकि पहले जब आप मतलब वो सेंटर कास्ट सर्टिफिकेट बनवाएंगे, ठीक है ना, तो उसके लिए पहले स्टेट का चाहिए। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में आपको समझाएंगे स्टेट का सर्टिफिकेट कैसे बनाएंगे। और आप जैसे में यूपी का एग्जाम्पल लेंगे, आप जिस भी स्टेट में, लगभग सभी का सेम होता है, तो यहाँ पर जो यूपी के स्टूडेंट है तो उनके लिए इजी होगा, बाकी सेम है तो आप उसे ट्राई करिएगा ऑनलाइन और अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा करके जेईई एग्जाम का फॉर्म फिल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर यूपी का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो यहाँ पर यूपी स्टेट का यहाँ पर हम देखिएगा ई साथी, यहाँ पर एस एच ए टी एच आई ई साथी यहाँ पर डालेंगे यूपी और इंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट यहाँ पर जो साइट आएगी ई साथी गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, इस पर आप क्लिक करेंगे और इसके आप गूगल पर डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में जाकर के, ठीक है ना, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पर ये लिंक मिल जाएगा, डायरेक्ट भी आप क्लिक करके ओपन कर सकते हो। चलिए यहाँ पर क्लिक करते हैं। तो जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर ये सिटीजन का ये न्यू पेज यहाँ पर ओपन हो गया है, इसकी भी आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगी। और इसका ई साथी डॉट यूपी जीओवी डॉट इन है, सिटीजन सर्विस लॉग इन इन एएसपीएक्स, तो आप ये नोट भी कर सकते हैं या आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगी, वहां से जाके आप डायरेक्ट क्लिक करके आप ओपन करके और जैसे मैं बता रहा हूं वैसे करके आप ये कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जैसे कि यहाँ पर मैंने पंजीकृत उपयोगकर्ता लॉगिन, ये आपको देखिएगा यूजर नेम और पासवर्ड आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। और अगर आपका पहले से बना हुआ है, जैसे मैंने बना लिया है, तो यहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे और यहाँ पर सिक्योरिटी कोड डालेंगे और सबमिट कर देंगे, तो ये अब न्यू पेज में चले जाएंगे जहां से आपको सारी इंफॉर्मेशन को फिल करना है, ठीक है ना। और अगर आपने ये नहीं बनाया तो अगर आप कमेंट करिएगा ये कैसे बनाते हैं, तो मैं आपको अलग वीडियो बना करके समझा देंगे, लेकिन यहाँ पर हम आपको ये समझा रहे हैं कि स्टेट का, जैसे यूपी स्टेट का हम किस तरीके कास्ट सर्टिफिकेट बनाएंगे, ओबीसी एसटी या मतलब एससी का है, ओबीसी एससी और एसटी का। तो अगर आपने नहीं किया तो यहाँ से नवीन उपयोगकर्ता जाकर यहाँ से पहले आप अपना मतलब यूजर नेम पासवर्ड बना लीजिएगा और उसके बाद यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड डाल करके, तो चलिए यहाँ पर हम ये सुरक्षा कोड यहाँ डाल देते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं जो लिखा हुआ है, देखिएगा वी के एच पी और एन और सेवन, और यहाँ पर सबमिट करेंगे तो हम न्यू कैप्चा डाल दिया, सबमिट पर क्लिक कर दिया, तो देखिएगा यहाँ पर आपका ये पोर्टल ओपन हो जाएगा, न्यू पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, ये कोई भी आप घर बैठे मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। पूरा डिटेलिंग वीडियो समझाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जात प्रमाण पत्र हिंदी में अगर आप बनवाना चाहते हैं, हिंदी सेलेक्ट करिए, यहाँ पर जात प्रमाण पत्र हम इंग्लिश में बनाएंगे,
देखिए यहाँ से आयु बना सकते हैं, निवास प्रमाण मूल निवास यानी बना सकते हैं, लेकिन अभी हम जात प्रमाण पत्र की बात करें तो यहाँ पर जात प्रमाण पत्र पे हमें इंग्लिश में बनाना है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, अब देखिए ये पहले नहीं आता था, एक साल पहले जब मैंने बनाया था तो ये नहीं आया था कि यहाँ पर ये EKYC वेरिफिकेशन मांग रहा है। तो यहाँ पर आप जिसका भी बना रहे हैं यहाँ पर आधार नंबर डालिए, यहाँ पर इंटर सिक्योरिटी कोड जो भी दिख रहा है ये डालिए और यहाँ पर क्लिक करिए और सबमिट कर दीजिए। चलिए हमें डाल करके सबमिट कर देते हैं। ओके देखिए ठीक है ना, आपके मोबाइल पे जो रजिस्टर देखिए OTP आ गया है, रजिस्टर मोबाइल जो आपका आधार में अपडेट है उस पर OTP आएगा, तो मोबाइल से अपना OTP डाल दीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पर OTP आ चुका है तो यहाँ पर OTP मैं डाल दे रहा हूँ और OTP डाल करके यहां से सबमिट करेंगे। तो देखिए जैसी सबमिट करेंगे तो यहां पर देखिए एक मैसेज आ रहा है, आपकी आप जिसके ही बनाते हो लिखे आ रहा है आपकी फैमिली आईडी उपलब्ध नहीं है, कृपया केंद्र द्वारा सरकार कल्याणकारी योजनाओं को लाभ लेने हैं तो अपने परिवार को फैमिली आईडी हेतु पंजीकृत करने के लिए फैमिली आईडी पोर्टल पर जाकर जो दिया हुआ है या CSC निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर जाकर के ये करें। तो अगर नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये होता तो मैसेज नहीं आता, नहीं है तो इसे हम यहाँ ओके कर देंगे। और जैसे यहाँ से ओके करेंगे अब देखिएगा, पर देखिए आधार कार्ड से नाम यहाँ पर ले लिया है, यहाँ पर नाम आ जाएगा। अब इसके बाद स्टूडेंट जो भी देखिए यहाँ पर पिता पत्र या संरक्षण का नाम, यहाँ पर तीन ऑप्शन दिया है, अब जिसका भी भर रहे हैं तो उनके पिता का नाम पति का नाम संरक्षण जो भी भर सकते हैं ठीक है ना। तो चलिए यहाँ इसे देखिएगा, यहाँ फिल कर लेंगे, यहाँ पर पिता पति संरक्षण का नाम डाल देंगे। पहले समझ लीजिएगा मैं फिल कर, ये पूरा फिल करके आपको दोबारा बताएंगे, लेकिन क्या क्या भरा जाएगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए नाम डालना है और आप गांव से आते हैं नगर से आते हैं, यहाँ पर टिक करके नाम ऑलरेडी आ जाएगा, यहाँ पर पिता पति संरक्षण का नाम आ जाएगा, यहाँ पर माता का नाम भरना पड़ेगा ठीक है ना। और यहाँ पर देखिएगा मकान नंबर, यहाँ मोहल्ला पोस्ट, यहाँ जनपद जो भी होगा वो आधार कार्ड से ले लेगा, तो यहाँ पर ऑलरेडी आ गया है। यहाँ से तहसील जो भी तहसील आपकी होगी, यहाँ से तहसील जो भी आप स्टेट लेंगे तो उसकी सारी तहसील आ जाएंगी। तो यहाँ पर आप तहसील को चुन लेंगे, यहाँ पर गांव का नाम ले लेंगे, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल लेंगे ठीक है ना। और यहाँ पर अगर ऊपर वाला ये आपका और ये स्थायी पता और जो ऊपर वर्तमान पता डाला है वो सेम है तो उपरोक्त पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑलरेडी आ जाएगा ठीक है ना। और इसके बाद देखिएगा ठीक है, यहाँ पर आप कास्ट यानी जात ले लेंगे। जात का मतलब है देखिए पिछड़ी जात, अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात, मतलब OBC SC या ST आप जिस कैटेगरी में आते तो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। जैसे हमने पिछड़ी जात यहाँ पर ले लिया है ठीक है ना, और यहाँ पर पिछड़ी जात लेने के बाद यहाँ पर उपजात लेना पड़ेगा। तो देखिए इसमें बहुत सारे यहाँ पर जाति, तो जो भी आपको लेना वो आप फिल कर सकते हैं, जो उपजाति है वो यहाँ पर ले लेंगे ठीक है ना। जैसा कि मैं आपको बता रहे थे यहाँ पर देखिए पिछड़ी जात यानी जो भी जाति यहाँ पर जात है वो अपनी चुनेंगे, यहाँ पर OBC यानी पिछड़ी, अनुसूचित यानी SC या ST, तो यहाँ पर कोई भी एक जिस कैटेगरी में आप आते हैं वो यहाँ से फिल कर लेंगे। यहाँ से इसकी उपजाति क्या है, बहुत सारे यहाँ पर ऐसे अहीर यादव है ना, ये देखिए नीचे जाएंगे तो ये दिया हुआ है, ये देखिएगा है ना, तो ये विश्वकर्मा, बहुत सारी तेली सैफी है ना, ये सभी दिए आप चेक कर लीजिएगा, यहाँ से आप मतलब सेलेक्ट करके फिल आउट कर सकते हैं ठीक है ना। इसके बाद देखिए प्रमाण पत्र बनवाने का कारण क्या है, तो यहाँ पर आप फॉर एजुकेशन लिख सकते हैं, जो भी रीजन यहाँ पर रीजन दे सकते हैं ठीक है ना। इसमें लिखा है क्या इससे पूर्व जात प्रमाण पत्र जारी हुआ, अगर हुआ है तो यहाँ से यस कर देंगे, नहीं हुआ है तो नहीं करेंगे, तो नहीं या यस अगर हो गया है ठीक है, नहीं हुआ तो। और जैसे कि राशन कार्ड प्रमाण आईडी अगर वहां से जैसे मैसेज आया था तो इसका मतलब बना नहीं, अगर बना होता तो यहाँ पर आईडी आ जाएगी, फिलहाल नहीं बना तो इससे आपको कोई मतलब नहीं है। यहाँ से देखिएगा आप फोटो लेंगे ठीक है ना, जिसका भी आप आधार कार्ड बना रहे हैं तो ये देखिए फोटो स्व प्रमाणित घोषणा पत्र यानी सेल्फ डिक्लेरेशन ठीक है ना, ये आपको इंटरनेट से मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा ठीक है ना। और ये भर के फोटो लेके ये डॉक्यूमेंट्स अपने डेस्कटॉप पर लगा लीजिएगा, तो फोटो डेस्कटॉप पर लगा लीजिए और स्व प्रमाणित घोषणा पत्र आप अपने डेस्कटॉप पर लगा लीजिएगा या लैपटॉप के डेस्कटॉप पर लगा दीजिएगा। पार्षद या वार्डन या ग्राम प्रधान की जाति का प्रमाण पत्र अगर है तो बनवा दीजिए, नहीं है तो अपने प्रधान से या पार्षद या वार्डन से इनमें से कोई भी एक है तो आप उसमें अपने ये भी फोटो खींचकर डेस्कटॉप पर लगा दीजिएगा। राशन कार्ड की छाया प्रति है तो लगा दीजिएगा, और अन्य में अगर कोई भी आपकी फैमिली का कोई कास्ट सर्टिफिकेट है ठीक है ना, तो वो भी आप लगा सकते हैं। मतलब अगर
ये और ये मतलब पार्षद वार्ड या ग्राम प्रधान की जाति का प्रमाण अगर आप नहीं बनवा सकते हैं, राशन कार्ड की छाया प्रति भी नहीं है, तो अन्य में जाकर के आप किसी भी फैमिली की कास्ट का सर्टिफिकेट पहले से बना हुआ है वो आप फोटो खींच करके और डेस्कटॉप पर लगा लीजिएगा, है ना। तो उसके बाद ये आप अपलोड कर देंगे, कास्ट सर्टिफिकेट आपका बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इंपोर्टेंट बात ये समझ में आ गया, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। एक फोटो हो गया, स्व प्रमाण घोषणा पत्र हो गया, पार्षद या वार्ड या ग्राम प्रधान की जाति का प्रमाण पत्र हो गया, राशन यहाँ पर राशन कार्ड की छाया प्रति हो गई, यहाँ पर अन्य हो गया, ठीक है ना। और देखिएगा यहाँ पर ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए। इसके बाद इंपोर्टेंट बात ये, जो भी आज संलग्न यानी जो भी अटैचमेंट यहाँ पर आप करेंगे, ठीक है ना, जो भी अटैचमेंट आप करेंगे, ठीक है ना, वो देखिएगा जेपीजी जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट होना चाहिए। फोटो का जो साइज है वो 50 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अधिकतम 100 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और अनिवार्य संलग्न फोटो घोषणा पत्र ये कंपलसरी आपको ये लगाना ही है, ठीक है ना। और जो स्टार दिया हुआ है ये आपको डेटा फिल करना, अगर आप ये फिल नहीं करेंगे तो ये फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। तो आई होप कि आपके क्लियर समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स या जो भी आप फ्रेंड्स या जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज आपको फिल आउट करना है, तो जो जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स ये डेस्कटॉप पे लगा लेंगे, कंप्यूटर लैपटॉप के आराम से, वहां से साइज मैंने आपको बता दिया है। और इस वीडियो को स्टॉप करके पहले जो साइज दिया, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड जो मैंने बताया, तो पहले आप एक कॉपी पे या रफ पे नोट कर लीजिएगा। उसके बाद पहले वो डॉक्यूमेंट्स, फोटो, आधार कार्ड, स्वयं मतलब प्रमाणित, ये सारी चीजें पहले आपको मतलब डेस्कटॉप लगा के उसके बाद फॉर्म फिल करिए तो जल्दी हो जाए। तो ये देखिए सारा मैंने आपको बता दिया है, और ये सारा फिल करने के बाद यहाँ पर देखिए दर्ज करें पर क्लिक करेंगे, और जैसे ही क्लिक करेंगे इसके बाद आगे हम आपको बाद में बताएंगे, पहले मैं ये पूरा फिल कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बाद में बताते हैं, ओके। तो सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पर क्लिक किया, फोटो क्लिक करेंगे, आधार कार्ड में जो उपलब्ध फोटो होगी वो यहाँ पर ऑटोमेटिक एक्सेस हो जाएगा। इसके बाद अब चलिए यहाँ पर दूसरा डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, यहाँ पर देखिए स्व प्रमाणित घोषणा पत्र यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फाइल पे जाएंगे, तो जैसे यहाँ पर देखिए फाइल पे जाएंगे तो देखिए हमने ये डेस्कटॉप पर रखा हुआ ये रहा, देखिएगा यहाँ पर क्लिक करेंगे, इस तरीके से अपलोड करते हैं आप समझ लीजिएगा। और यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए दो चीजें अपलोड हो चुकी हैं, फोटो प्रमाणित घोषणा पत्र। अब चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये हमारे पास नहीं है, ये हमारे पास यहाँ पर देखिएगा नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे, अन्य पे जाएंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर अन्य लेंगे, तो आप क्या अन्य में यहाँ पर अपलोड करेंगे, तो जैसे मैं अपना सर्टिफिकेट डालना चाहता हूँ तो यहाँ पर अपने पेरेंट्स का, फादर्स का, या मतलब वो मदर्स का, या ब्रदर का, या सिस्टर का, जो भी यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लिख करके उसके बाद इसे अपलोड करते हैं, ओके। यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, और हम यहाँ पर जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसे क्लिक करेंगे, यहाँ से अपलोड करेंगे, इस तरीके से अपलोड कर लेंगे। और यहाँ पर जाके अपलोड पर क्लिक करेंगे तो ये भी आपका अपलोड हो जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए अपलोड हो गया, तो ये तीन चीजें अपलोड हो गई हैं। अब चलिए आगे चलते हैं, आगे जैसे यहाँ पर हम जाएंगे तो देखिएगा यहाँ पर आधार कार्ड भी आपको अपलोड करना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर अन्य लेंगे, अन्य में यहाँ पर आप आधार कार्ड डाल लेंगे, आधार कार्ड, ओके। और यहाँ पर चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप किसी भी स्टूडेंट का जिसका भी बना रहे हैं तो आधार कार्ड यहाँ से ले लेंगे। देखिएगा ये आधार कार्ड हमने यहाँ से ले लिया, यहाँ से ओपन करेंगे तो ये भी आपका अपलोड हो गया। अपलोड पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर आधार कार्ड सक्सेसफुली अपलोड हो गया, अभी हो जाएगा, ये देखिएगा हो गया ना। तो यहाँ पर देखिए हमने फोटो अपलोड ये जो आधार कार्ड से ले लेगा, स्व प्रमाणित घोषणा पत्र यहाँ पर आ जाएगा, आधार कार्ड यहाँ पर हमने अपलोड कर दिया है, और कास्ट सर्टिफिकेट का आप मतलब अपलोड कर सकते हैं। और इसके बाद देखिएगा सारे के बाद पूरा चेक करने के बाद अब यहाँ पर देखिए दर्ज करें, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है ना, और ये न्यू पेज ओपन हो जाएगा। तो स्टूडेंट जैसे ही आप पूरा फॉर्म को फिल करके बिल्कुल सही सही दर्ज करें, पर जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, आवेदन संख्या। अब देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट
ये पॉइंट है, ध्यान से समझेगा, जो स्टूडेंट जेई एग्जाम 2025 का फॉर्म फिल कर रहे हैं उनको कास्ट सर्टिफिकेट संख्या में वहां पर फिल करने में प्रॉब्लम आ रही, तो देखिए किसी भी स्टेट का इस तरीके से ऑनलाइन फॉर्म फटाफट फिल करके और यहाँ पर एक जनरेट होगा यहाँ पर आवेदन संख्या, तो ये भी आप डाल सकते हैं और उसके बाद जब आपका बन जाता है तो आप सेंटर का अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए स्टेट का चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से पूरा आप चेक कर लीजिए। यहाँ पर देखिए फोटो आधार कार्ड से आ गया है, यहाँ पर देखिएगा नेम एकदम क्लियर आ रहा है। ये पूरी डिटेल जो आपने फॉर्म में फिल किया था इसे आप क्या करेंगे, एक बार चेक कर लेंगे और चेक करने के बाद यहाँ पर आप प्रिंट ले सकते हैं, उसके बाद ना फी सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए प्रिंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप सेव कर लेंगे, उसके बाद साइबर कैफे या प्रिंटर किसी भी दुकान से प्रिंट निकाल करके फाइल में लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से सेव करेंगे, यहाँ पर अभी प्रीव्यू दिखाएगा और इसे हम यहाँ से देखिएगा, अगर आपके पास प्रिंटर है तो यहाँ से आप प्रिंट दे सकते हैं, लेकिन जो भी प्रिंटर होगा यहाँ पर अटैच होगा, लेकिन हम सेव करेंगे, सेव करके यहाँ पर ये हम सेव कर देंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से सेव करेंगे, तो जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे डेस्कटॉप पे इसे हम यहाँ पर कोई भी नाम डाल करके यहाँ पर हम सेव कर देंगे, तो ये हमने डेस्कटॉप पे सेव कर दिया है, ठीक है ना। तो अब ये हमारा सेव हो गया है, इसके बाद देखिएगा जो हमारा काम था कंप्लीट हो गया है। तो जो भी स्टूडेंट जेई एग्जाम का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप अभी टेम्परेरी रूप में ये वाली आवेदन संख्या ये डाल सकते हैं, उसके बाद जब जनरेट हो जाएगा और उसके बाद आप स्टेट का जब कास्ट सर्टिफिकेट मिल जाएगा फिर सेंटर कास्ट सर्टिफिकेट के लिए, तो इस तरीके से हम स्टेट का इस तरीके से फॉर्म को फिल करते हैं और नंबर आ जाएगा, नंबर आप उसमें जेई फॉर्म जब रजिस्ट्रेशन करेंगे वहां पर ये डाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब सेवा शुल्क भुगतान पे क्लिक करें, कुछ फी सबमिट होगी, यहाँ से फी करेंगे तो देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर आ गया है और जो भी एप्लीकेशन नंबर, तो देखिए यहाँ पर ये जो फी है वो यहाँ पर आपकी सबमिट होगी, तो यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर प्रोसीड, ये देखिएगा अमाउंट सब 15 रुपए, यानी 15 रुपए में आप घर बैठे अपना कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी एससी या एसटी का यूपी का बनवा सकते हैं। हो सकता है कि अदर अलग अलग स्टेट का अलग अलग यहाँ पर अमाउंट हो, लेकिन यहाँ पर यूपी का जो है वो 15 रुपीज या 15 रुपए है। तो चलिए पेमेंट करते हैं, तो प्रोसीड विद पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड क्यूआर कोड किसी से भी कर सकते हैं पेमेंट, ठीक है ना। तो देखिएगा बस यहाँ से पेमेंट करके आप किसी पेमेंट करके मैक पेमेंट करेंगे वो पेमेंट आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। तो हम पेमेंट करके उसके बाद आपको बताते हैं, ओके। जैसे स्टूडेंट यहाँ पर देख रहे हैं, मैं दोबारा लॉग इन करके और यहाँ पर देखिएगा ये दोबारा हमने पेज को ओपन किया है, तो यहाँ पर देखिएगा ये रसीद प्रतिलिप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप जो पेमेंट किया है उसकी रिसीप्ट यहाँ से निकाल सकते हैं। अभी यहाँ पर एरर बता रहा है लेकिन यहाँ पर आ जाएगा, तो चलिए दोबारा एक बार चेक करते हैं। यहाँ पर लिखा है ना रिसीव्ड की प्रतिलिपि, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए पावती पत्र नहीं एक्नोलेजमेंट स्लिप, यहाँ पर पहले जो आपको एप्लीकेशन नंबर मिला है जब आपने फॉर्म फिल किया था तो वो डालेंगे और यहाँ पर सेव कर देंगे, मतलब सुरक्षित कर देंगे। और चलिए मैं ये डाल के आपको बताते हैं क्या होगा आगे। तो स्टूडेंट्स या फ्रेंड जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपने यहाँ पर देखा कि इस तरीके से हम रिसीव प्रति पे क्लिक करके और आवेदन संख्या जो आपको मिला वो डाल करके और स्वच्छ यानी सेव करेंगे, रिसीप्ट आपकी आ जाएगी। अब ये पूरी तरीके से आपका पूरा जो फॉर्म फिल किया, पेमेंट किया, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए, स्टेप बाय स्टेप अब ये पूरा क्लियर हो गया है। अब देखिए यहाँ पर सीधा लिखा हुआ है, ये देखिएगा कि ये उपरोक्त आवेदन का आवेदन दिनांक 10/11/24 को जात प्रमाण पत्र बनाने हेतु सक्षम अधिकारी को अग्रेषित किया गया है और ये 15 शुल्क लिया गया है, ठीक है ना। अब देखिएगा इसमें देखिए 20 कार्य दिवस के अंदर ये आपके पास मैसेज आ जाएगा और इस तरीके से, और वहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं या आप डिजी लॉकर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप पूरा बताया कि कास्ट सर्टिफिकेट हम किस तरीके से बनाते हैं ओबीसी एसटी और एससी और एसटी के लिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से कास्ट सर्टिफिकेट हम यूपी स्टेट का यहाँ पर बनाएंगे, ऐसे सभी स्टेट का बनाते हैं। तो आपको जो भी नंबर आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर मिला है वो आप जेई एग्जाम 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं और टेम्परेरी नंबर ये डाल करके अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात और बता दूं, अगर मान लीजिए ये रिसीप्ट नहीं आता है, ठीक है ना, तो अगर यहाँ पर ये रिसीप्ट मान लीजिए नहीं आया तो आपको क्या करना है ध्यान से समझिएगा। तो देखिएगा आपको ये मेन मेनू पेज पे आना है,
और जैसे यहाँ पर आएंगे तो ये कुल लंबित आवेदन यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये ऑलरेडी यहाँ पर हो गया। अगर यहाँ पर ये नहीं होगा तो यहाँ पर अपना एक्नोलेजमेंट नंबर यानी एप्लीकेशन नंबर डायल करके सबमिट कर देंगे, उस वक्त तुरंत रिसीप्ट आपकी आ जाएगी। अगर आपकी यहाँ से नहीं आती है तब ये करेंगे, पहली बार यहाँ से आ जाएगी। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पूरा अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स पर शेयर करिए, कोई प्रॉब्लम है कमेंट करिए, मैं दोबारा वीडियो बना करके समझा देंगे। और इस चैनल बीकी सही कंप्यूटर एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।